चलो बंद करो। क्या आ गए सारे सारे बस में? ओ नहीं यार। तो गाइस अभी मैं आ गई हूँ लवबर्ड के रूम में। यहाँ पर जो है ना, आप लोगों को पता है कि एक लवबर्ड का बच्चा है जिसको जो है ना हम लोगों ने फीड खिला दिया, वो है इस बॉक्स के अंदर। तो जल्दी से उसको यहाँ से निकालते हैं, उसको फीड खिला दें, ठीक है? और मेरा ख्याल है एक जो है ना, नहीं बाहर निकल गए सारे बर्ड्स ना, तो अंदर है ये हमारा छोटा सा लवबर्ड। तो इसको मैंने इस प्याले के अंदर रख लिया है। अभी हम लोग जो है ना इसको जल्दी से इंजेक्शन के साथ फीड खिलाते हैं। मैं इंजेक्शन जो है ना इसमें फीड ले आई हूँ। चलो मुंह खोलो, खोलो मुंह। यानी कि ये ऐसे तो नहीं खाएगा, मुझे इसका मुंह पकड़ना पड़ेगा। तो गाइज इसने जो है ना फीड खा लिया, और आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताना है कि हम लोग इसका नाम क्या रखें, क्योंकि अभी हम लोग इसको फीड खिला रहे हैं, तो ये जो है ना हमारा हैम टेम भी हो सकता है। तो भाई इसको जो है ना हम लोग रखेंगे अपने पास, और इसको जो है ना हम लोग एक नाम भी रखेंगे ताकि हम लोग इसको उस नाम से बुलाएं। इसका नाम क्या रखें बताओ ना, जल्दी से बताओ। फिशी फिशी फिशी। बीरू ने क्या बोला, क्या कहा इसने? बोला बिरू ने, मुझे पता है कुछ उल्टा ही बोला होगा। तो बिरू जी ने बाहर से कुछ इसका नाम बताया था। खैर हम लोग इसका नाम रखते हैं फिशी। फिशी क्योंकि अच्छा नाम है, मुझे पसंद आया। तुम जो है ना सिलेक्टेड होते हो। तुम जीते 50 करोड़ रुपए। इसका नाम हम लोग रखेंगे फिशी। फिशी आ जाओ। अभी ये मेल है फीमेल है हमें कोई पता नहीं, ठीक है? इसका डीएनए करवाते हैं, ठीक है? फिशी फिशी ने फीड खा ली है। अब फिशी में जो है ना इसके नेस्ट में जो है ना वापिस से रखें, ठीक है? फिशी फिशी है, इसको अलहदा बॉक्स में रखें। ओ फिशी ने जो है ना ओवर ईटिंग कर ली थी, फिशी हजम कर ला है। फिशी को कह रहे हैं कि किसी अलहदा बॉक्स में रखते हैं। चलो देखते हैं इसको किसी अलहदा बॉक्स में रखते हैं, ताकि जिसके जो पेरेंट्स है ना वो दोबारा से ना अंडे ले दें। तो फिशी जो है ना, फिशी तुम्हारा आपसे नया घर हम लोग बनाते हैं, ठीक है? और तुम्हारा नया घर है ये वाला बॉक्स। चलो इस बॉक्स में चले जाओ ऐसे यहाँ पर, ठीक है? अब से तुमने यहाँ पर रहना है। इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा बरादा और डाल देते हैं। ये है बूरा बरादा, जो भी इसको आप लोग बोलोगे। चलो फिशी को हम लोगों ने जो है ना इस बॉक्स के अंदर शिफ्ट कर दिया, क्योंकि हम लोग तीनों टाइम इसको खुद ही फीड खिला रहे हैं, और इसको भी यहीं पर रख लेते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो है ना दोबारा से जो है ना मेल और फीमेल दोबारा से अंडे दे सकती हैं, ठीक है? तो फिशी को नया, फिशी का नया घर हो गया। और यहाँ पर हमारे जो कॉकटेल है ना, मैं कॉकटेल के वो भी हैंड टेम करने की कोशिश कर रही हूँ। हैंड टेम तो पता नहीं होंगे कि नहीं होंगे, बस इनका जो है ना थोड़ा सा डर ख़त्म हो जाए। इतने ज़्यादा ये डरते हैं, देखो मैं कितनी दूर बैठी हूँ इनसे, और ना मैंने इनको पकड़ा है, ना मैंने इनका केज खोला है, और ये देखो ये कितने ज्यादा डर रहे हैं। कॉकटेल अभी मैंने विसल किया और उसने भी वैसे विसल किया था। आप लोग ने सुना? फिर से ट्राई करते हैं हम आराम से, ठीक है? अभी अगर विसल करेगा तो ज्यादा एक्साइटेड हो रहा है। देखो वो बोर्ड है, बोर्ड है। दोबारा नहीं बोला ये, सिर्फ इन्होंने एक ही दफा फिसल किया था, वो भी पता नहीं सेकंड से गलती से हो गया था। तो मैं इनका ना थोड़ा डर जो है ना वो खत्म करना चाहती हूँ, ताकि थोड़ा कम डरे, बहुत ही ज्यादा डरते हैं ये। और हमारे जावा फिंचेस के जो बच्चे थे ना, वो सारे हम लोगों ने इस केज में रखे हुए हैं। और अभी हम लोग जो है ना उधर भी चेक करते हैं कि उन्होंने वो जो अंडे वहाँ पर दिए हुए थे इतने दिनों से, उसमें से कोई बच्चा भी निकाला कि नहीं निकाला। भाई हफ्ता के 15-20 दिन हो गए ना बच्चे दिए हुए। तो जल्दी से आज जो है हम लोग ये भी चेक करते हैं, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी दिनों से इनको चेक भी नहीं किया। तो मैं कुछ सी यहाँ पर करके तो हम लोग जो है ना अभी इसको चेक करते हैं। भाई तुम लोग रेडी हो? ठीक है, नेस्टिंग बॉक्स जो है ना वो खाली कर दो, उसके अंदर फीमेल बैठी हुई है, क्योंकि बाहर सिर्फ जो ना है एक ही फिंच है, अंदर दूसरी अंदर ही। निकल गई कि नहीं निकली अभी तक? नहीं निकली, निकल गई गाइस। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं आज इसमें से बच्चे जो है ना निकले अभी के नहीं निकले, ठीक है? तो 1 2 3 ओ वाह, यहाँ पर छोटे छोटे से बच्चे हैं, माशाल्लाह से काफी ज्यादा इन्होंने निकाल लिया गाइस।
मुझे लग रहा था मुझे ना इस दफा भी मायूसी भी मिले यहाँ से बच्चे नहीं होंगे बट नहीं बच्चे निकल गए हैं यहाँ पर। और अभी तो बहुत छोटे हैं। अच्छा मैं सबसे छोटा वाला बच्चा आपको दिखाती हूँ, ये सबसे छोटा है। ये सबसे छोटा बच्चा इनका। और वो जो है ना मेरे हाथ में लुडियां मार रहा है। और गाइस चार जो है ना बच्चे निकल गए हैं, तीन अंडे अभी भी वहीं पर पड़े हैं तो वो भी जल्दी निकल जाएंगे। यानी कि 7 से 8 बच्चे जो है ना ये दे सकती हैं। तो ये सबसे बड़ा मेरा ख्याल है काफ़ी, ये क्योंकि बाकी सबके साइज से ये काफ़ी बड़ा लग रहा है। तो गाइस ये 6 से 7 बच्चे जो है ना इन्होंने दिए हैं। तो अभी जो है ना 3 अंडे अभी वैसे पड़े हैं, उसमें से भी जो है ना बच्चे निकल जाएंगे। अभी जो है ना हम लोग अपनी वाइट वाले भी जो जावा है ना उसको भी जल्दी से देख लेते हैं। तो ये आ गए हम अपने दूसरी जावा फिंच के बॉक्स में बाहर, और यहाँ पर भी बच्चे निकले हुए हैं माशाल्लाह। तो ये देखेंगे गाइस यहाँ पर भी जो है ना, यहाँ पर 3 निकले हैं, वहाँ पर दूसरे बॉक्स में 4 हैं, यहाँ पर 3 हैं। अभी मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, ये ब्लर ब्लर। तो गाइस यहाँ पर जो है ना एक बच्चा तो मेरे ख्याल काफ़ी भूखा है, उसने मुँह ऐसे खोला हुआ है ना ऊपर। ओए ये देखो ये भी यहाँ पर भी एक छोटा सा है, यानी कि ये इतने छोटे ना मुझे डर लग रहा है कि मेरे हाथ से ना गिर जाए ये नीचे। तो यहाँ पर गाइस 3 बच्चे जो है ना निकले हुए हैं और 3 अंडे पड़े हुए हैं। तो गाइस हमारे दोनों जावा फिंचेस ने, ग्रे ने और वाइट ने, दोनों ने ना बच्चे निकाल लिए हैं। एक ने 3 निकाले हैं और एक ने 4 निकाले हैं। तो इन्होंने 7 जो है ना अंडे दिए थे। अभी एक के पास 4 बच्चे हैं और एक के पास 3 है, तो बाकी थोड़े थोड़े अंडे जो है ना वो रह गए, वो भी इंशाल्लाह जल्दी ही निकाल लेंगे है ना बच्चे। ठीक है, और उनके जो पहले वाले बच्चे ना वो यहाँ पर बैठे हुए हैं नीचे सारे। और भाई तुम लोगों के और भाई बहन आ गए हैं, वो भी बहुत जल्दी तुम लोगों के पास यहाँ पर आने वाले हैं। ठीक है, तो गाइज इंशाल्लाह हम लोग जो है ना ये पेज जो है ना जावा फिंच से भर देंगे इस दफा। उम्मीद है आगे अल्लाह बेहतर जानता क्या होगा। ये क्या बोल रहा था अभी, ये कह रहा था कि मैंने ना उस फिशरी का नाम बताया था छपैक, क्या नाम है छपैक। और मम्मी डैडी बच्चे क्या इसको ना कभी पकड़ गया ना इसकी अच्छी साथ अच्छी तरह से इसकी फेंटी लगानी है, इसके जो मम्मी डैडी कीड़ा पैदा हो रहा है ना वो जरा खत्म तो हो। ऑयल चेंज होना इसका, ऑयल चेंज करने वाला। सही बात है। छपैक तुमने क्या नाम बताया था, फिशी। फिशी नाम सही है, फिशी सही है, फिशी मेरे की जो वेस्टिंग था यहाँ पर हम लोग अपने मुर्गियों को डालते हैं। कबूतर निकालो बाहर। मामा कह रहे ना निकालना बाहर, तुमने खाना बनाना। मामा मामा लड़ाई हो जाएगी इस बात पर। तो कल गाइस आप लोगों को पता है मैंने जो है ना पिजन्स बाहर निकालते, मैंने बाहर से निकाले। ब्राउनी जो थी ना बाहर यहाँ पर घूम फिर रही थी, उसके बाद उसका इरादा चेंज हो गया और वो उड़ के सामने वाले की छत पर चली गई। उसको वापस लाने के लिए मैंने थोड़े से और पिजन्स बाहर निकाले, तो फिर जो है ना मसला ज़्यादा ख़राब हो गया। सारे पिजन जो है ना इधर उधर उधर इधर फिर उड़ना शुरू हो गए, फिर उन्हें बहुत ज़्यादा तंग किया। बट खैर अल्हम्दुलिल्लाह सारे पिजन थे ना वो सारे घर वापस आ गए थे। और अभी मेरे पास जो है ना ये पालक के पत्ते हैं कुछ, तो ये हम लोग जो है ना चूज़ों को देंगे। किधर 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 किधर, ये है ये ये। तो इनको जो है ना तंग नहीं करते हैं, अंदर इनको यहाँ पर दे देते हैं पालक के पत्ते। तो यहाँ पर चूजे जो है ना ये खा रहे हैं, ये इनके इधर ही केज में रख देते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर मुर्गी ने अंडा दिया है कि नहीं दिया। मुझे तो लग रहा है किसी ने अंडे दिए हुए हैं। वाह यहाँ पर 2 अंडे पड़े हुए हैं। चले जी दोनों उठा लेते हैं ध्यान से, इनको नीचे लेकर जाना बिकॉज ये बहुत ही कीमती अंडे हैं, क्योंकि 2 ही अंडे आ रहे हैं तो इसलिए इनकी कदर जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। तो गाइज यहाँ पर हमारे जो मुर्गियाँ टर्की बर्ड जो है ना और चूजे जो है ना वो पालक शालक खा रहे हैं। तब तक हम लोग जो है अपने पिजन्स को भी देख लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, क्योंकि इनको दाना और पानी जो है ना मैंने दे दिया था। अभी इनको बिल्कुल भी नहीं डालना हम लोग ने दाना पानी, ठीक है। अभी जो है ना थोड़ा सा पेट खाली करो, शाम को इनको जो है ना बंद करने से पहले इनको जो है हम लोग दाना देंगे, ठीक है। तो भाई हमारे जो रेसिंग पेयर का बच्चा ना वो माशाल्लाह काफ़ी बड़ा हो गया है। वो भाई आराम से उसको नीचे पाँव के नीचे तुमने उसको मिद दिया है, छोड़ो ना
इधर आओ। तो ये देखें गाइस, ये माशाल्लाह, ओए हो इतने बड़े नाखून, ओए हो। तो गाइस ये देखें, बच्चा जो है ना काफी ज्यादा बड़ा बड़ा लग रहा है आज तो, है। बट इसकी आईज जो है ना वो रेड नहीं है गाइस, इसके जो पेरेंट्स हैं उन दोनों की आईज जो है ना रेड है, उसकी भी आईज रेड है और इसके जो फादर है ना उसकी भी आईज रेड है, बट इसकी आईज रेड क्यों नहीं हुई है? तुम्हारी आंखें किसके ऊपर चली गई हैं ब्लैक? चलो जाओ। और यहाँ पर भी फीमेल ने जो है ना दो बच्चे निकाले, ये तो भाई अब भी देखो ये ऐसे गुस्से में ही रहता है, आराम से दो बच्चे इसने निकाले हैं और यहाँ पर कोई अंडा नहीं आया हुआ। यहाँ पर भी कल गाइस दो अंडे पड़े थे, देखते हैं कि इसने जो है ना, गाइस शेल जो है ना अंडे का टूटा हुआ है, ये देखें गाइस, ये देखो यहाँ पर एक बच्चा जो है ना निकल आया है माशाल्लाह, और दूसरा अंडा जो है ना ये भी टूट रहा है, यानी कि चूजा जो है ना वो अंदर से इसको तोड़ने की कोशिश कर रहा है, फील हुआ है मुझे। चलो भाई ये वाला अंडे का शेल जो है हम लोग यहाँ से उठा लेते हैं, गुड हो गया। दो बच्चे जो है ना दो आ गए हैं और दो अभी ये पड़े हैं, ये पता नहीं कब तक बड़े होंगे, कब बड़े होंगे तुम लोग हैं इतने स्लो ग्रोथ कर रहे हो। तो ये देखें गाइज, ये माशाल्लाह से काफ़ी प्यारे बच्चे हैं यहाँ पर। और हाँ भाई, तो ओए माशाल्लाह गाइज, हमारे ये रामपुरी पिजन्स ने जो है ना एक अंडा दे दिया, वाओ, ओ गॉड, यहाँ पर भी एक अंडा पड़ा हुआ है, ओ माय गॉड, यहाँ पर भी एक अंडा पड़ा हुआ है, वाओ गाइज, इन सब ने तो कमाल कर दिया, यानी कि यहाँ पर इन सब के पास अभी अंडे आ चुके हैं, तो इसका मतलब है कि अभी हमारे जो सारे पिजन्स हैं ना वो बहुत ही जल्दी बच्चे भी निकालने वाले हैं, इनके बहुत जल्दी हमारे इस पूरे केज में जो है ना बच्चे आने वाले हैं। और इनका जो अंडा है ना वो आपको सामने नजर नहीं आ रहा, तो मैं जरा जो है ना थोड़ा सा सही करके रखूं, बिकॉज इनको खुद भी नहीं नजर आ रहा होगा, देख लेना आप भाई, साड़ दो। ये यहाँ पर अंडा है इनका पड़ा हुआ गाइस, ये अंडा भाई तेरा किधर गया हुआ था अंडा, और किधर बैठे हो तुम खुद, चलो इसको भी इनको बैठ करो। और गाइस अभी तक हमारे पास सिर्फ एक एक अंडा आया है, एक अंडा इसका आ गया, एक अंडा उसका आ गया, और एक अंडा रामपुरी का भी आ गया। तो ये तो बहुत ही कमाल की बात हो गई, कल इस पेयर का हम लोगों ने जो है ना बच्चा निकाल के बाहर रख दिया था कि ये जो है ना अंडे दे देंगे, और इन्होंने कल ही अंडा दे दिया। और इसके पेरेंट्स नीचे क्यों बैठे हैं यहाँ पर भाई, अंडा ऊपर पड़ा हुआ, नीचे क्यों बैठे हो तुम लोग हैं अंधे? मेरा ख्याल है इन्होंने यहीं पर बैठ के जो है ना अंडा देना, इन्होंने ऊपर नहीं बैठना, पता नहीं अब इनका क्या होता है, अंडा ऊपर पड़ा हुआ खुद उधर बैठे हैं, ये तो सही जगह पर अंडे के ऊपर बैठा हुआ है ना, और वो भी उसका भी अंडा इधर पड़ा हुआ खुद उधर बैठा हुआ है, पता नहीं ये क्या हो रहा है। और हमारे गाइस इस प्यार ने भी काफ़ी दिनों से जो है ना अंडे दिए हुए हैं, लेट्स सी कि इसके अंदर अंडों में से बच्चे निकले हैं कि नहीं निकले, दिखाओ। नहीं अभी तक कोई जो है ना अंडे की शक्ल सूरत नहीं निकली कि बच्चे अभी निकलने वाले हो, तो मेरा ख्याल है इसको भी हफ्ता और लगेगा। अभी तो इधर उड़ रहे थे ये सारे, घर के पक्के हो गए ना, पक्के पिजन जो है ना वापस आ गए, ये ब्लैक लकी भी चला गया हुआ था, ब्राउन ही तो उड़ गई थी, और एक वो व्हाइट वाला पिजन, और भी दो थे यहाँ पर पिजन थे, वो सारे उड़ गए थे यहाँ पर। यमुना मेरे साथ हेल्प करवाओ, आहिस्ता आहिस्ता इनको जो है ना केज के अंदर लेकर चलते हैं। और ये व्हाइट लकी भी वहाँ पर छत पर गया हुआ था, ये फौरन वापस आ गया, बाकी ने थोड़ा सा तंग किया हमें। गाइस यहाँ पर ब्रिज है ना फोटो शूट करवाने के लिए छत पर चढ़ गया, लोग कहते हैं मैं बदला सा लग रहा हूँ, बाकी बिरु ऐसे ही लग रहा तुम्हें? चला आ, हाँ बस ठीक है। मेरी क्या करूँ अब ना, कुछ शक्ल सूरत तुम्हारी नजर आ रही है, वैसे तुम ऊपर इतनी ऊपर चले गए, चलो बिरु आ जाओ नीचे, अब मार छाल अंदर, आजा यहाँ से, वहाँ कैसे जाओगे? हाँ हमें पता नहीं चल रहा ना, चलो चले, ये इधर तो है बिरु कह रहा मैं आने लगा, चल आ बिरु नीचे, आज शाबाश बिरु, बिरु शाल छलांग लगाओ ना, ये क्या तुम बंदरों की तरह लटक रहा, इतनी सी बात थी, कहाँ गिरे तुम है?
हम लोग इस फ्लॉ को यहीं पकड़ते हैं। एंड आज हमारे जावा फिंचेस ने भी जो है ना बच्चे निकाल लिए, पिजन्स ने भी जो है ना अंडे दे दिए हैं और कुछ पिजन्स ने बच्चे भी निकाल लिए, तो काफ़ी जो है ना अच्छी न्यूज़ है आपको इस व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो अब इस व्लॉग को मैं यहीं पकड़ती हूँ एंड आई होप कि आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दो, शेयर कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका बहुत ज़्यादा रखना।